गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। हम आपको बताएंगे कब हुआ खेड़ा सत्याग्रह, किस स्थान पे हुआ खेड़ा सत्याग्रह और किन दो महान नेताओं ने नेतृत्व किया खेड़ा सत्याग्रह का, और बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, खेड़ा सत्याग्रह यानी यह आंदोलन 1918 में खेड़ा, जो कि गुजरात में है, आरंभ हुआ, जब सरकार फसल बर्बाद होने के उपरांत भी कर वसूल रही थी, तब ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन को शांत करने के लिए गांधी जी ने कहा कि लगान देने में अक्षम किसानों से वसूली न की जाए, जबकि लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से पूरा लगान दे। ये था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 खेड़ा, जो गुजरात में है, वहाँ हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह, और जिसका नेतृत्व गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हम आप बता दें, एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और वहाँ की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्या था बारदोली सत्याग्रह, हमने आपको विस्तार से बता रखा है, आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।